सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में जाजे आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम कुंभ नगरी हरिद्वार में हैं और आप देख रहे हैं ये हरि की पौड़ी का ये गेट है और यहाँ कुंभ जो कलश बने हैं जिसको कुंभ नगर कुंभ के नाम पे ये बनाए गए, कुंभ नगरी बोली गई। और सामने पर्वत पे माता मनसा देवी वहाँ पे विराजमान है और हम लोग अभी गंगा मैया में डुबकी लगाने वाले हैं। उसके बाद हम मनसा देवी के दर्शन करेंगे और माता चंडी के दर्शन करेंगे और भगवान शिव के ससुराल कंखल जाएंगे और यहाँ पे जो भी दिव्य और प्राचीन स्थान है उनके दर्शन करने वाले हैं। और ये हमारे साथ सब लोग आए हुए हैं, भाई साहब हैं, भाभी हैं और ये बच्चे हैं। सब एक बार बोलिए गंगा मैया की। दोस्तों, गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी पुल के माध्यम से हम उस तरफ जाएंगे और वहाँ हरि की पैड़ी पे जाके स्नान आदि करेंगे। और सामने पर्वत पे आप देख रहे हैं माँ मनसा देवी विराजमान है, जिनके आप यहीं से दर्शन करिए, फिर मैं वहाँ ले जाके आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी तो आप लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाइए। अगर अभी तक आप हरिद्वार नहीं आए हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिनके साथ आप हरिद्वार के दर्शन के लिए आना चाहते हैं। जय गंगा मैया। दोस्तों, आप देख रहे हैं यह रास्ता सीधे हरि की पौड़ी जाता है और वहीं हम जाके स्नान करने वाले हैं। और देखिए कितनी भीड़ है, श्रद्धालु स्नान आदि कर रहे हैं। दोस्तों, माँ गंगा के लिए हम यही कह सकते हैं, माँ गंगा के स्नान से कटते पाप तमाम, निस दिन करे आरती इनको करे प्रणाम। जय गंगा मैया। दोस्तों, आप देख रहे हैं यह गंगा घाट पे कितना सुंदर दृश्य है और यह गंगा मैया का यह प्राचीन मंदिर है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे समूह में बहुत सारे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा हैं, बजरंग बली हैं और ये वाल्मीकि मंदिर है, यहाँ बद्रीनाथ भी विराजमान हैं। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे जो कि गंगा घाट पे ही हैं, इसको हरि की पौड़ी कहा जाता है और यहीं पे हम स्नान करते हैं। और कहावत है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो समुद्र का घड़ा था तो यहीं पे रखा गया है, उसकी कुछ बूंदें यहीं गंगा मैया में गिरी। तो यहीं पे कुंभ होता है हर 12 साल पे, तो यह बहुत ही पावन पुण्य स्थान है। यहाँ गंगा मैया स्वयं विराजमान है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे श्रद्धालु स्नान आदि कर रहे हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कहावत है कि माँ गंगा के स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने से सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है और पाप धुल जाते हैं, या ऐसा हमने सुना है। जो लोग नित्य गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, स्नान आदि करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, माँ गंगा की आरती करते हैं, तो उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये गंगा मैया बहुत दयालु हैं, सबके पापों को नाश करने वाली हैं, नाशदायिनी पाप मोचनी गंगा मैया, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। गंगा मैया में देखे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है आप देख रहे हैं हर की पौड़ी हरिद्वार।
दोस्तों हमने एक कहानी सुनी थी। एक बार नारद मुनि ने माँ गंगा से पूछा, है माँ, जितना मनुष्य पाप करता है और आप में डुबकी लगाकर सारे पाप धो देता है, तो आप तो बहुत पाप इकट्ठा कर चुकी होंगी। तो माँ गंगा मुस्कराते हुए कहने लगी, जी नहीं, मैं जितने भी पाप इंसान धोता है मुझ में, मैं सारा बहा करके समुद्र में फेंक देती हूँ। तब नारद मुनि समुद्र देवता के पास गए और कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे पाप इकट्ठा हो गए होंगे। तो समुद्र देवता बोले, जी नहीं, मैं गर्म भाप बनाकर बादल को दे देता हूँ, तो हमारे सारे पाप बादलों के पास पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि बादलों के पास पहुंचे और बादलों से कहने लगे, तो क्या तुम्हारे पास सारे पाप इकट्ठा हैं? तो बादलों ने बोला, जी नहीं, हमारे पास भी कोई पाप नहीं है। तो जो मनुष्य जितना भी पाप करता है, मैं उतना ही उसके घर में जाके बरस देता हूँ, तो जो पाप हैं वो उसी के पास वापस पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों गंगा मैया के पास नारद मुनि फिर से पहुंचते हैं। तब गंगा मैया मुस्कराते हुए कहती हैं, हे नारद मुनि, जो इंसान जैसे पाप करता है, मैं उसके पाप उस हिसाब से धोती हूँ, लेकिन जो सच्चे मन से श्रद्धा के साथ मेरे जल में स्नान करता है, तो उसके पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो आप जब भी गंगा मैया में स्नान करें, आप मर्यादित होकर स्नान करें, श्रद्धा के साथ स्नान करें। और आप अगर श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं, मर्यादा में रह के स्नान करते हैं, कोई गंगा मैया में खड़े होके आप कोई पाप नहीं करते हैं, तो गंगा मैया आपके पाप हमेशा के लिए धो देती हैं, जो कि युग युगांतर तक आपको फिर पाप नहीं चढ़ता है। तो इसलिए आप जब भी आएँ तो मर्यादित होके यहाँ पे स्नान करें, गंगा मैया को प्रणाम करें, गंगा मैया में डुबकी लगाएं और अपने पापों का नाश करें। तो ऐसी गंगा मैया की पवित्र कहानी है। आप देख रहे हैं श्रद्धालु कितने दर्शन कर रहे हैं गंगा मैया के और डुबकी लगा रहे हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं हरि की पौड़ी हरिद्वार में। और मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप आइए यहाँ पे स्नान आदि करके दर्शन करिए। भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ गंगा मैया का मंदिर है, लेकिन आप जब भी आएँ यहाँ पे, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, आप जहाँ भी जाएँ आप मर्यादित होके जाएँ, तो आपको उसका फल मिलता है। आप देख रहे हैं हरि की पौड़ी के ये दृश्य, यहाँ पर स्नान आदि श्रद्धालु कर रहे हैं और गंगा मैया को याद कर रहे हैं और आगे के भी दर्शन करने के लिए लालायित हैं। तो अभी हम लोगों ने स्नान आदि कर लिया है, अब हम यहाँ से जाएंगे गंगा मैया के। आप दर्शन कर रहे हैं, गंगा का ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पे गंगा मैया विराजमान हैं, और आप दर्शन करिए गंगा मैया के, भीड़ काफ़ी है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे मनसा देवी और माता मनसा देवी के। आप देखिए गंगा मैया के, आप दर्शन करिए, कितने सुंदर और दिव्य दर्शन आप गंगा मैया के कर रहे हैं हरि की पौड़ी हरिद्वार से। और गंगा मैया के दर्शन आदि करने के बाद, इनका आशीर्वाद लेने के बाद, हम यहाँ से आगे के और दर्शन करेंगे और चंडी माता जाएंगे, कनखल जाएंगे, जहाँ पे माता सती का मायका और भगवान शिव की ससुराल हुआ करती, तो वहाँ हम जाएंगे, दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे म्यूरल बनाए गए हैं समुद्र मंथन के, और बहुत कुछ बनाया गया है, बहुत सुंदर दृश्य हैं यहाँ पे हरि की पौड़ी के। और आप जब भी जाएं तो यहाँ पे गंदगी मत करें, क्योंकि गंदगी ही हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। और आप जब भी जाएं यहाँ पे पॉलीथीन मत डालिए, कचरा मत डालिए, जो भी लेके जाएं तो आप अपने साथ उसको लेकर जाइए और डस्टबिन में ज़रूर डालिए, आप वहाँ घाट पे मत डालिए, क्योंकि घाट सबके हैं, हर तीर्थयात्री के हैं, और साफ़ सुथरे रहेंगे तो उसका फल और पुण्य अलग से प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने गंदगी कर दी, उस पर कोई श्रद्धालु नहा के जा रहा है,
तो आपको पाप अवश्य लगेगा, आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसलिए गंगा घाट को गंदा मत करें, गंगा मैया को दूषित मत करें, और साबुन का प्रयोग मत करें, उसके अंदर कपड़े मत धोएं। तो गंगा मैया को जितना साफ रखेंगे, जितनी निर्मल रखेंगे, गंगा मैया उतना ही आपको फल देंगी और आपके पापों को नष्ट करेंगी। हमारे साथ बोलिए गंगा मैया की जय, हरिद्वार धाम की जय। मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने